दोस्तों, यदि आप वाटर और नेचर लवर हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस यह है घूमने के लिए। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ यह महल की ब्यूटीफुल व्यू जो है वो आपको एकदम से मंत्रमुग्ध कर देगा। आज ऐसे ही हम लोग हिस्टोरिकल प्लेस त्रिपुरा के नीर महल में आए हैं, जो कि वाटर प्लेस के भी नाम से फेमस है। जैसा कि आप देख सकते भी हैं, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग नील महल भी बोलते हैं। और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर पैलेस है। तो आइए चलते हैं इस खूबसूरत सी जगह पर। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं नील महल, उसको हम लोग वाटर पैलेस भी बोल सकते हैं। ये अगरतला से 53 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और इसका जो महाराज, त्रिपुरा के जो महाराजा थे, वीर विक्रम किशोर जी ने, उन्होंने इसको बनवाया था। देखिए, यहाँ पे एंट्री करते हैं। अभी कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। यदि बोट में जाएंगे तो ये आपको लाइफ जैकेट भी पहनाया जाएगा, और कुछ कुछ लोग इसे नहीं भी पहनते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप पहनना चाहते हैं नहीं, बट सेफ्टी को ध्यान में रख के आपको पहनना चाहिए। और ये देखिए, यहाँ से हमारी जो है यात्रा शुरू होगी वाटर पैलेस की। ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हमारा नील महल जो दूर में दिख रहा है, वहीं पर हम लोग को जाना है। और वहाँ जाने के लिए ये बोट अवेलेबल है, आप यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम लोग आए थे और अभी हम लोग यहाँ पर अब जर्नी स्टार्ट करते हैं। और इस खूबसूरत सी जगह के जाने के बीच में आपको ये मनमोहक सा लेक मिलेगा, जिसका नाम रुद्र सागर लेक है। और ये जितने भी टूरिस्ट आते हैं, इस आकर्षक सी जगह को अपने कैमरे में कैद करते हैं। उसमें से हमारे कुछ मित्र भी है, ये हैं कुछ दोस्त, हम लोग सब साथ में वहाँ घूमेंगे और जाएंगे। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो देखिए, वहाँ हम लोग को जाना है, वहाँ हम लोग जाएंगे और उसके अंदर जाकर देखेंगे भी वहाँ से कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, त्रिपुरा के जो किंग थे, महाराजा थे, वीर विक्रम किशोर देवर्मा माणिक्या बहादुर उनका पूरा नाम था, जिन्होंने 1908 से 1947 के बीच में यहाँ पर राज किया था। तो ये उनके लिए एक तरह से समर पैलेस था। ये उनका आइडिया था कि रुद्र सागर लेक के बीच में ऐसा पैलेस बनाने का। ये बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर डिज़ाइन वहाँ बनाया गया है, जहाँ हम लोग जाएंगे और देखेंगे, जहाँ पे बहुत हिंदू और मुस्लिम दोनों का कल्चर को दिखाता है। और उन दोनों को ध्यान में रख के जो यहाँ का आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाया गया है, देखिए दूर से कितना ये खूबसूरत और मनमोहक सा लगता है। ये पूरी जगह को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और धीरे धीरे हम नील महल के पास में आ रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग वहाँ पे जाएंगे नील महल में। तब तक हम लोग दूर से इसे देखते हैं और इस खूबसूरत सी जगह को इंजॉय करते हैं। यदि आप भी यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके लिए जो परफेक्ट टाइमिंग है यहाँ पर घूमने का, वो अगस्त से दिसंबर के बीच का टाइमिंग है, जब यहाँ ज़्यादा बारिश भी नहीं होगी। तो उस समय आप लोग यहाँ पे आके और घूम सकते हैं। और यहाँ पे नील महल एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इन द मंथ ऑफ द दिसंबर एवरी ईयर। तो ग्लोरियस कल्चरल इवेंट का आप पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप दिसंबर के मंथ में आइए और उस विंटर सीजन में इस खूबसूरत सी जगह को और इंजॉय कीजिए। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए और बोट से उतर गए, अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे। देखिए, सब आ रहे हैं टूरिस्ट। तो मैं आप लोग बता दूं कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि दूर से दिखने पे मीनार टाइप का दिखता है और मीनार शेप में, और ये एक फोर्ट लाइक अपीयरेंस भी देता है। देख लीजिए, ये हम लोग, मैं ऊपर से ये सीन ले रहा हूँ। और इसको इंजॉय करते करते यदि आपको कुछ खाने का मन किया, तो यहाँ पे स्नैक्स का भी प्रबंध है। यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे आप कुछ खाने को ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग अंदर चलते हैं। गूगल मिल रहा है यहाँ पे। ये देखिए, हमारे गाइड हैं। इनका कहना है कि ये सुपारी देख लेते हैं। आप ये सुपारी नहीं देखें, देख लीजिए ऐसा सुपारी होता है। और इस वाटर पैलेस की जो स्टार्टिंग होता है, एंट्री होता है, इस सौंदर्य युक्त गार्डन के साथ होता है। हम लोग इसको ऊपर से भी देखेंगे कैसे दिखता है। और ये हम लोग अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है। ये इनका कहना है कि बाथरूम है। किसका बाथरूम है? राधा।
त्रिपुरा का राजा था उसका ही, त्रिपुरा के राजा का हमको लगा राधा। ये डांस रूम में नर्तक किया, इधर आके नाचती थी राजा के सामने, राजा के सामने यहाँ पर नाचती थी जितने भी डांस करने वाले थे। देखिए वहाँ पे लिखा भी हुआ है डांस रूम। और ये जो है बेडरूम है, और ये यहाँ का बैल्कनी है जहाँ से आप बाहर का यहाँ का पूरा सिनेरियो देख सकते हैं। और कितना उत्कृष्ट और प्यारा सा व्यू है कि आप और यहाँ पे आ जाएंगे और तो आप यहीं के हो जाएंगे, फिर आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। ये यहाँ के किंग का एबेसमेंट रूम, यहाँ पे सिर्फ क्लोज वन जो रिलेटिव है उन्हीं को आना अलाउ था। और जब तक किंग यहाँ के एबेसमेंट रूम में रहेंगे किसी को बाहर से इंटर करना अलाउ नहीं था। और अब हम लोग आगे चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ के रास्ते जो है एकदम से भूल भुलैया हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये बड़ा सा जो आप हॉल देख रहे हैं ये यहाँ का कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे मीटिंग या कुछ डिस्कशन करने के लिए राजा यहीं पे आते थे और अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पे डिस्कशन करते थे, मीटिंग करते थे। और ये यहाँ का बोट घाट है, माना जाता है कि इसके नीचे जो सीढ़ी का आपके नीचे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट जो बोट होती थी यहीं पर आती थी और यहीं से राजा उतर के अपने महल में जाते थे। और यहाँ से उतरने के लिए और जाने के लिए सीढ़ी भी बनाई गई है दोनों तरफ, बोट घाट के दोनों तरफ देख सकते हैं ये जो सीढ़ी बनाई गई है। अब हम लोग आगे जाएंगे, ये स्पेयर रूम। और यहाँ का सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको जो भी रूम मिलेंगे सब एक दूसरे से लिंक है। ये है डांसिंग रूम जो हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे आए भी थे, जिसके बारे में बता रहा था कि यहाँ पे नृत्यिका जो है, डांसर जो है, राजाओं के लिए डांस करती थी, इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया था। और यहाँ पर टोटल आप यहाँ जो रूम है वो 24 रूम है, 24 रूम है। ये उनका गार्डन एरिया है, आप देख सकते हैं कितना यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू है गार्डन का। हम लोग नीचे उतर के भी देखेंगे और गार्डन से, इसके अलावा हम लोग सीढ़ी से ऊपर भी जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गार्डन में चलते हैं और गार्डन के व्यू का लुत्फ उठाते हैं। और यहाँ के सर्वेंट के लिए अलग से क्वार्टर भी प्रोवाइड किया गया था। और ये जो है ये सर्वेंट क्वार्टर है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर डिजाइन आप देख रहे होंगे वो हिंदू और मुस्लिम कल्चर दोनों को शो कर रहा होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और ये यहाँ का एक और बेडरूम है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि टोटल ये महल में जो रूम है 24 रूम है ये नील महल में। और आगे जाने पे हम लोग को मिलता है ये बाथरूम जहाँ पे राजा जो थे स्नान करते थे, ये देख सकते हैं ये इनका डिजाइन जो है बाथरूम का। और ये उनका गार्डन एरिया है जो कि मैं इससे पहले दिखा रहा था बाहर से, अब हम लोग गार्डन में आ गए हैं। और ये यहाँ का ओपन एयर थिएटर है और जहाँ पे ड्रामा थिएटर डांस या जितने भी कल्चर इवेंट है राजा यहीं ऑर्गेनाइज करते थे और अपने फैमिली और दूसरे राजाओं के साथ यहाँ पर वो इंजॉय करते थे। इस खूबसूरत सी जगह पे आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से देखने पे ये व्यू। अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, यहाँ पर टोटल ऊपर आने के लिए दो सीढ़ी है और हम लोग फर्स्ट सीढ़ी से आए, तो ऊपर से दिखने पे कुछ इस तरह का दिखता है यह महल आप देख रहे हैं। रुद्र सागर लेक जो है ये आप जो दिख रहे हो ये रुद्र सागर लेक है। तो रुद्र सागर के ऊपर आर्टिफिशियल आइलैंड में 1930 में बनाया गया था यह महल। और हम लोग आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर में भी जो है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है एक छत से दूसरे छत जाने के लिए। अभी तो हमें यहाँ पे बर्ड नहीं दिख रहा है बट यहाँ मानना है कि विंटर सीजन में लार्ज नंबर में माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे आते हैं। दोस्तों हम लोग नील महल के हर एक कोने में जा रहे हैं और वहाँ से देख रहे हैं कि ये व्यू जो है कैसा दिखता है, ताकि आप लोगों के लिए कोई भी व्यू छूट ना पाए और आप लोग यहाँ के हर एक व्यू को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं। और यदि आप भी यहाँ पर आने का प्लान बना रहे हैं, यदि ईस्टर्न इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ईस्टर्न इंडिया का वन एंड ओनली जो है ये वाटर पैलेस है नील महल। ये देखिए हम लोग ऊपर में आए हैं और ये यहाँ पे कुछ टूरिस्ट जो है जा रहे हैं वापस बोट में।
यहाँ पे शाम को शाम अंधेरा होने से पहले ही से बंद कर दिया जाता है टूरिस्ट के लिए, तो ये सिर्फ दिन के लिए, अभी शाम होने लगा है तो इसलिए जितने भी टूरिस्ट हैं अब धीरे धीरे जाने लगे हैं, अब हम लोग भी जाएंगे। यहाँ का जितना भी चीज़ है या आर्किटेक्चर हो, बिल्डिंग हो, सामान हो, उसे वेरी वेल मेंटेन किया गया है और यहाँ का व्यू जो है और सराउंडिंग जो है वो ऑसम है। आप यहाँ बोट राइड का भी मज़ा ले सकते हैं आते वक्त। तो ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितने बाकी जो इंडिया के टूरिस्ट प्लेस है, बट ये भी धीरे धीरे एक्सप्लोर हो रहा है। और यदि घूमने का बेस्ट टाइम बोले तो ये सनसेट जो है, जो आप देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू आपको मिलेगा, तो बेस्ट टाइम आप सनसेट के टाइम आ सकते हैं। और विंटर के टाइम घूमने आए तो यहाँ का आप अलग अलग जो इवेंट होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, तो उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं साथ में। और इंडिया का ये एक तरह से आप हिडन ब्यूटी बोल सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि बहुत सारे ऐसे इंडिया में हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पर पिक्चर लेना अलाउ नहीं है, बट यहाँ कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, यहाँ पर आप इजीली पिक्चर और फोटो वीडियो ले सकते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और इंडिया के अलग अलग प्लेस को एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू।